बोलिए तो, आज की रेसिपी क्या है? स्वीट एंड सावर पनीर, एब्रकडेब्रा, गिली गिली छू, ये है सारे मेरे आज के सुपर डुपर इंग्रेडिएंट्स। चावल का आटा, बेसन, नमक, चीनी। पनीर को पहले छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। देखिए, मैंने काट लिया। अब मैं इसको पानी में धो दूंगी। फिर उसके बाद एक कटोरी पानी में थोड़ा सा चीनी के साथ मैं इसको घोल लेती हूँ। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में मैं इसको रख लूँगी। अब चलिए सब्जी काट लेते हैं। आप येलो और रेड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ ग्रीन कलर ही था। प्याज काटना तो बहुत ही आसान है। सारे सब्जी को मैंने ट्रायंगुलर शेप में काटा है, देखिए। अब बारी आती है अदरक की। इसको फाइनली चॉप करना है आपको। मैंने थोड़ा सा फाइन किया है, बस इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। तो छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। हाँ, देखिए हो गया। अब मैं 3 लहसुन की कलियाँ लिया हुआ है, इसको भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। मुझे लगता है आप मुझसे भी अच्छा चॉप कर सकते हो, है ना? हाँ, हो गई चॉपिंग मेरी। पनीर को मैंने पानी से निकाल लिया था, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह हो गया है। चलिए अब एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। वही बेसन मैंने ले लिया, लगभग 1 चम्मच है इसमें सारे। थोड़ा सा नमक और चीनी, वेजिटेबल ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, जो भी आपकी मर्ज़ी, आपके घर में जो भी है आप उसी को यूज़ करिए। हाँ, ज़रूर ठंडा पानी ऐड करिएगा। पतला वाला एक घोल तैयार करिए, देख लीजिएगा कोई गुठली तो नहीं रह गई। अच्छे से मिलाइए मिलाइए मिलाइए। रेडी है ये। अब मैं इसमें सारे पनीर के टुकड़े ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा कोटिंग की ज़रूरत है, पतली वाली एक लेयर होनी चाहिए बस। अब चलते एक सॉस बना लेते हैं। ओ, ज़्यादा गिर गया, कोई बात नहीं। पहले मैंने डाला सोया सॉस, अब मैं डाल रही हूँ विनीगर। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे आप ये बना सकते हैं, आप अपने मेजरमेंट खुद भी कर सकते हैं। मेजरमेंट से वैसे खाना कौन बनाता है? इतना कोई याद रखता है 2 चम्मच 3 चम्मच? मुझे तो याद नहीं रहता। मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ, यही है वो स्वीट एंड सावर सॉस। अब मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। ये जो फ्राइंग पैन आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त ने दिया है। उसका नाम है शिल्पी। जब से मैं YouTube वीडियो बना रही हूँ वो तब से देख रही है। तो एक दिन वो मेरे घर आई और मुझे वो इसने गिफ्ट किया। थैंक यू शिल्पी, हो सकता है वो भी देख रही होगी। अब मैं उसी तेल से थोड़ा सा तेल ले लिया और इसमें अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा फ्राई, 1-2 सेकंड के लिए ज़्यादा करना, ताकि उसमें कच्चा सा बदबू निकल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारी सब्जी। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना। हाँ, वाइट, रेड, ग्रीन। अब इसमें अगर आप येलो भी डालते हैं ना, बहुत कलरफुल लगेगा। अब मैं वो वाला सॉस, स्वीट एंड सावर सॉस डाल देती हूँ। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हाई फ्लेम में पकाना है आपको। पर ध्यान रखिएगा, नज़र मत हटाइए, नहीं तो वो जल भी सकता है। फिर मुझे दोष मत दे देना कि आपने तो बताया नहीं, हम तो हाई फ्लेम में ही थे। साथ में रहिएगा, और अगर कहीं बाहर जाना है तो आप आँच थोड़ा धीमे कर दीजिएगा। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। करछी आपको धीरे धीरे चलाना है। कितना कलरफुल हो गया है ये, और बढ़िया सा खुशबू आ रही है। आपको आ रही है? आएगी आएगी, आप भी बनाएंगे जब तब आएंगे आपको। 2 मिनट में मैगी बनते हैं। अब देखिए 2 मिनट में स्वीट एंड सावर पनीर भी बन गया। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना, मुंह में पानी आ गया आपका। हाँ, बना लीजिए ना, बहुत टेस्टी लगेगा। और जब बनाएंगे ना तब मुझे ज़रूर याद करिएगा। है, टाटा।